फ्रांस में भी मैंने टुक टुक ढूंढ लिया, फ्रांस का टुक टुक। यार यूरो वाले भैया, यूरो वाले भैया अलग भी हैंडसम रहे हैं। तो यहाँ पर सब खा पी रहे हैं, हम इसी खाए पीते रहते हैं, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये निकाले होते। क्या मतलब है इसका वैभव? मैं सुबह जाता हूँ तो यहाँ खा रहे होते हैं, शाम को दिन में आता हूँ तो खा रहे होते हैं। Hi guys, welcome back to the channel। और आज है ट्यूजडे, वैभव जल्दी घर आ गए हैं तो मैंने फिर खींच के जल्दी घर नहीं आया हूँ मैं, टाइम पे घर आया हूँ। मतलब यार अब 8 बजे जाता हूँ, 6 बजे जाता हूँ, 10 घंटे का ऑफिस ही तो मैं भी तो इतने घंटे का ऑफिस कर रही हूँ ना। बट ठीक है यार, तू मतलब क्या जल्दी कर रहा है, ये तुम अलग लड़ाइयाँ करने लगते हो। चला देखो, अभी 8 बज रहे हैं और धूप निकली हुई है तो यहाँ उजाला रहता है, इसलिए मैंने वैभव को बोला चलो घुमाओ मुझे कहीं। मतलब लोग भी क्या कहेंगे, पेरिस में दिन भर घर में पड़ी रहती है, मेरे ऑफिस वाले भी ये कहते हैं। तो फिर हम जा रहे हैं आर्क डे ट्रॉम, बहुत ही मुश्किलों से याद हुआ है मुझे। तुम ना नौटंकी मत करो, तुमको खुद नहीं पता है, पर तुम गए हुए हो ना पहले वहाँ, तो वैभव वहाँ गए हुए हैं पहले, मैं नहीं गई हुई हूँ। तो हमने सोचा है कि हम जाएंगे आर्क डे ट्रॉम क्योंकि वो पास में है और लेट तक खुला रहता है। क्या क्या ठीक है मैं समझ में आ गया। ये मेरे पापा ने कपड़े भेजे थे कुर्ता बनाने के लिए, मैंने इनकी ड्रेसेस बना दी है जो बहुत अच्छी लग रही है। और 8 बज रहे हैं, 10:30 तक खुला रहता है, हम हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। ही सो क्यूट, हम हाफ एन आवर तक इधर से आते हैं तो हम हाफ एन आवर तक पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद चल क्यों रही है गाड़ी भाई, मैंने पहली बार पुलिस की गाड़ी देखी। देखो ये पुलिस की गाड़ी है, कितनी क्यूट है। और यहाँ मैंने एक डॉगी है, बहुत प्यारा सा चल रहा है, जो भी डॉगी दिखता है उससे हमें कूपर की याद आती है। लेकिन यार तुम, मैं कुछ बोल रही होती हूँ ना, मुझे भुला देते हैं यार। और शायद वैभव इतने सालों से नहीं चल रहे जितना आजकल चल रहा है, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए भी उनको आ रहा हूं। तो मेरा 2 किलो वजन कम हो गया और मैं स्लिम ट्रिम होने वाला हूं। हाँ, ये स्लिम ट्रिम होने वाले हैं, वेरी गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। छोटी बीबी होने का एक नुकसान तो है, ऐसे चलना चाहिए मुझे, नहीं तो मेरी गर्दन ही नहीं आती। मैं आगे चलती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और वहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो, फिर वहाँ से हम जाएंगे हाँ, हम वहाँ जाएंगे। सो बेसिकली आर्क डे ट्रॉम इज काइंड ऑफ हमारा इंडिया गेट। जब World War I में जो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उन शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए वो बनाया गया है। आई थिंक मैंने गूगल में ही पढ़ा था, तो सही पढ़ा, अगर गलत पढ़ा है तो भूल चूक माफ, नीचे लिख देना। बट यही है, मैंने पढ़ा यही है। तुमको पता है क्यों बनाया गया था? नहीं। हाँ, इसीलिए बनाया गया था। तो इट्स काइंड ऑफ फ्रांस का इंडिया गेट। और अब हम जा रहे हैं वहाँ मेट्रो से। वैभव को सारा रास्ता पता है क्योंकि अभी यहीं के निवासी हो चुके हैं, है ना, तो ये तो सब पता ही है, रोज आते घूमते। आज ये इंडियन मार्केट गए थे, घूम के आ रहे हैं। हे भगवान, हे माता जी, ये तो ऐसे सीधे था। हाँ, तो नहीं गया था, चल, मैंने कहा था, चल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आर्क डे ट्रॉम, कैसा लगता है देखते हैं। पेरिस का, फ्रांस का इंडिया गेट। तो ये पेरिस का बिजनेस स्क्वायर बोला जाता है इसे। आज मैंने काफ़ी रिसर्च करी है तो आज मैं बहुत ज्ञान है। तो मोस्टली सारी कंपनियाँ इंडियन, क्या वो सारी फॉरेन होती है, वो इंडिया में होती है सारी। हाँ, एक्सेप्ट टीसीएस कौन सी है भाई, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यही हैं। और ये एक्चुअली जो पेरिस टाटा कंपनी बनाई है टीसीएस, वो तो यहाँ। हाँ, उसके अलावा तो सारी मल्टीनेशनल है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो एक ही हमारी काफ़ी है, सब पे एक सब पे भारी। तो यहाँ पर सब खा पी रहे हैं, हम इसी खाए पीते रहते हैं, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये निकाले होते। क्या मतलब है इसका वैभव? मैं सुबह जाता हूँ तो यहाँ खा रहे होते हैं, शाम को दिन में आता हूँ तो खा रहे होते हैं, रात को जा रहा हूँ तो खा रहे होते हैं, बस खा ही रहे होते हैं। गाइस, हमें कहीं भी घूमना होता है ना, उससे पहले हमें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम मेट्रो में तो खो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता था टाइम तक हमें जाना कहाँ है। तो अभी हम
मतलब आधे घंटे से सिर्फ कोशिश कर रहे हैं जानने की हमको असली में जाना कहाँ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और ये बंदा पता नहीं क्या करता है, रोज ऑफिस जाता है। एक दिन में सीख जाना चाहिए तुम्हें, एक दिन में है। आर्यर आ गया, यस। अरे बहुत ही बुरा हुआ भाई, मुझे नहीं पता। तो वैभव के ऑफिस वालों ने उन्हें सब कुछ दे दिया है, और मेरे लिए मतलब तुमको नेविगेशन मिल गया है, तुम्हें मोबाइल मिल गया है, ये कार्ड मोबाइल मिल गया है, तुम्हें सिम मिल गया, कुछ मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी भी। आर यार नीचे, तो हमें आर यार वाली मेट्रो पकड़नी है। और यहाँ की जो मेट्रो स्टेशन है ना, वो बहुत पुराने पुराने हैं, तो गुफाओं से निकलते हैं। मुझे ऐसे लगता है छप गई। तो गाइस मैं डेट छप के आ जाती है, तो हमारी डेट छप चुकी है। हाँ चलो आ जाओ, अब डेट छप गई, अभी जाना गा ये बताओ। तो मेरा कार्ड बना दो, मैं अकेले अकेले चले जाया करूंगी। किसे बर्बाद कर देगी? बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ। गाइस वैभव ने ना दो यूरो की, मतलब इससे बड़ी बोतल में उससे लिया है ना, 160 रुपए की कोक खरीदी अभी, क्योंकि ने पीने का मन कर रहा था। वैभव हद हो चुकी है, हद। उसकी तो 250 ml है, वो वाली में 1.75 लीटर लाया हूं, वो 1.95 की है। मतलब मैंने 2 घूट पिए, 2 घूट में भी इंसान रो रहा है। खुद 2 यूरो की जो खरीदी, वो तेरे लिए तो खरीदी, तुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो गाइस मेट्रो मिल गई है, कौन सा स्टेशन है? नहीं इसके हमें कब कौन सा स्टेशन, नेक्स्ट में हमें उतरना है। मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे करके करनी पड़ेगी ब्लॉगिंग। अब तो आ रहे हो ना तुम। सो गाइस वी रीच्ड बड़ी ही मुश्किलों में, मतलब जो रास्ता आधे घंटे में निकलना था हमने 1 घंटे में पार करा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्रांस आना है, प्लीज़ अभी से फ्रेंच सीख लो, बहुत परेशानी होती है। क्यों नहीं सीख सकते हैं? बच्चे नहीं सीख रहे? मैं सीख जाऊंगी, मैं छोटी बच्ची तो हूँ। मैं बता रही हूँ वो वाला है, क्योंकि वो है ना टूरिस्ट, उनके पास टोपी है, लेकिन वो भी कंफ्यूज है। अब मैं उनके भरोसे थी, वो कंफ्यूज हो गए। तो गाइस एट लास्ट हम बंद होने से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं, तो देख ही लेंगे। अभी कितना बज रहे हैं? चल 9:50 हो रहे हैं, 10:30 बंद होता है, तो हमारे पास आधा घंटा है। हमें आधे घंटे में मतलब हाँ मतलब वो ठीक है, आईफिल टावर तो देख ही लिया था उस दिन, लेकिन दोबारा देख लेंगे थोड़ा अंधेरे अंधेरे। 1 बजे तक खुद चलती है ना मेट्रो? तुमने एक बार लास्ट टाइम जब आईफिल टावर आए थे बोला था 1 बजे तक मेट्रो चल। जब हम दूसरे साइड जाने की सोच रहे हैं, मतलब जहाँ पर वो है, हम उसके रोड के अपोजिट है, और यहाँ पर ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, नीचे से ही टनल से कहीं जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेक कैसे जाएं वहाँ पे, हमको आइडिया तो नहीं है, बट वैभव कह रहे हैं ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हमें समझ आ जाए। तो चलो लेट्स सी।
तो देखते हैं वहाँ वाला कैसा होता है। हम पहले उधर थे नीचे से टनल से, वैभव ने कुछ जुगाड़ किया तो हम यहाँ आ गए। बहुत बड़ा है, वो एफिल टावर है ना गाइस, वो एफिल टावर है। घूम लिया है अपनी इंडिया वाले में ना, यहाँ पर जाने को मिलता नहीं है जितना मुझे याद है, गई तो हूँ बट इसमें ना पूरा आप जा सकते हो, और हमारे यहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अलाउ नहीं करते हैं, और हमारे यहाँ ना चीज़ें थोड़ी सी खराब कर ही देते हैं लोग, तो सच बात है। देखो यार हमारा वाला मुझे ज़्यादा सुंदर लगा वैसे, बट सभी अच्छे हैं। मैं पतिदेव कहाँ है, और तुम्हारे नंगू बाबा पीछे भी हैं, तुम्हारे नंगू बाबा पीछे भी हैं, अलग से हैं थोड़े, देखा हो जाओ जाओ। हाँ हो ही गया सब, हम देखा है हमारे वाले में, इंडिया में वाले में खुला नहीं रहता है ना ऐसे अमर ज्योति, मतलब पूरी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन है यहाँ पे ना इस एरिया पे, मतलब जितना मैं घूमी हूँ मुझे जीरो पुलिस कुछ भी नहीं दिखा। हमारे इंडिया में तो इतनी प्रोटेक्शन रखते हैं, कहाँ है वो उधर की रोड क्रॉस ना करे लोग, बिकॉज यहाँ से आप रोड नहीं क्रॉस करते, वो टनल से इस एरिया में आना, नहीं तो उधर की साइड पे जाना है, तो वो इसलिए है यहाँ पर कोई भी मतलब पुलिस या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा हम लोगों को, तो समझ सकते हो। बट ये ना रात को ज़्यादा अच्छा है, दिन में मुझे लगता है इतना मज़ा आएगा इसे देखने में, रात को आओ तो ज़्यादा अच्छा है, लाइटनिंग वाइटनिंग पड़ती है तो काफ़ी सही लगता है। देखो ये तो वैभव का बस नज़र एक ही जगह पर है, तो खैर जो भी है यार हमें भी ऐसे क्लीन नहीं रखना चाहिए, लेकिन ठीक है हम खुद हमें यहाँ पर कितना ध्यान रख रहे हैं कि कोई चीज़ हम नीचे नहीं गिरा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को रखना चाहिए यार इतना ध्यान सब कुछ, कि हम कुछ मतलब अपने क्लीन रखें, अपने देश को सब कुछ करें। मेरे को अपने वाला ज़्यादा सुंदर लगा है, अपनी चीज़ें सुंदर लगती है ना, जैसे मम्मी कहती है कि अपना बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है चाहे कुछ भी हो, तो अपनी चीज़ें अपनी देश से तो अच्छी लगेगी, इन लोगों को अपना अच्छा लगेगा, बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी बस हमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, और सब लोग अच्छे से पूरा देख सकते हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मतलब बुरा मत मानना। गाइस वैभव को घूमना है पर मुझे ना ये बिल्डिंग देख के फील आ रहा है मैं पेरिस में, तो मैंने कहा थोड़ा चल लो यार देख लेते हैं। आओ ना हाँ अभी चल रहे हैं, दो मिनट रुक जाओ यार, अभी फील आया मुझे कि मैं पेरिस आई हूँ, अभी कुछ सेकंड पहले।